राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अंतर्गत क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर ने अपने संबोधन में कहा कि क्षेत्र पंचायती योजना बनाकर काम करें और शत प्रतिशत निधि का प्रयोग क्षेत्र के विकास के लिए करें। उन्होंने और क्या कुछ अपने संबोधन में कहा, आइए इस वीडियो का रुख कराते हैं। हल्ला न करो, आराम से आराम से। आप सभी लिए बोलने की व्यवस्था है और नीचे कर दो। शुरू करो भैया सवाल। पंचायती राज विभाग के कार्यक्रम में मंत्री जी आज आए हैं, क्या कुछ कहेंगे, जो मांगे रखी गई है उनको लेकर क्या है? देखिए, आज जो क्षेत्र पंचायत प्रमुखों की कार्यशाला रही है, उसमें संगठन की तरफ से जो बातें मांगे हम लोगों के सामने रखी गई, उस मांग में जो इनके 10 लाख रुपए इनको मिलता था उसको 5 लाख रुपया और बढ़ा दिया गया है। आज उसकी घोषणा हुई है। हर ब्लॉक में एक कर्मचारी की नियुक्ति होगी। जो इनकी मांग थी कि हमारे यहाँ आप कंप्यूटर ऑपरेटर हो, सफाई कर्मचारी या और जो काम, तो वो हमारा एक आदमी वो काम करेगा। तो इनकी जो 10 मांगे थी उसमें हम लोगों ने एक बुकलेट जैसे इनकी थी कि जो ब्लॉक प्रमुख की नियमावली है तो वो नियमावली छप के हम लोगों को मिल जाए ताकि हम लोग उसको पढ़ करके भी आगे बेहतर हम लोग करें। तो उसको भी लोगों को बता दिया कि जल्द ही बुकलेट छप के मिल जाएगी। तो जो मांगे इनकी रही हैं उसमें ज़्यादातर मांगों को मान लिया गया है। जो शेष है वो दूसरे विभाग का है, दूसरे विभाग को लिखा पड़ी होगी, उसके लिए कोशिश की जाएगी। संगठन पदाधिकारियों द्वारा जो ग्राम पंचायतों की देखिए, उस पर हम लोग नियमावली बना रहे हैं और जल्द ही वो नियमावली हम लेके आ रहे हैं आपके बीच में। सर, मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि जो ढाबा है, जो रेस्टोरेंट है, नेम प्लेट उस पर नेम प्लेट जो है लगाई जाए, उस तरह का आदेश है। का बुरा है, बोर्ड तो लगाते ही लोग हैं, बोर्ड तो लगा खाने पीने की नाम जो है उसका नाम होना पड़ेगा। क्या दिक्कत है, चाहे दुकान मालिक तो अपना नाम खुद डालता है, लिखता है कि नहीं। तो मुख्यमंत्री ने जो किया वो सही किया है। सर, आज सरोजनी नगर का एक मामला सामने आया जिसमें एक 14 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया है, दो नाम सामने आए हैं। दुखद घटना, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी कटिबद्ध हैं और प्रदेश में कानून का राज है। कानून के दायरे में जो भी गलत पाया जाएगा कानून उसके साथ कड़ा से कड़ा कदम उठा के कार्रवाई करें। सर, कुशीनगर में अभी जाली नोटों के जखीरों का अभी पर्दाफाश हुआ, उसमें एक सपा नेता गिरफ्तार हुए। क्या कहें, जहाँ काम हो रहा है तहाँ सफाई आ रही है। अयोध्या जाइए, अरे अयोध्या जाइए रेप केस में तो सपा, कन्नौज जाइए तो सपा, मऊ जाइए तो सपा, अभी आप नोट के नकली नोट वाले बता रहे हैं सपा। ये कुल काम वही का है, सफाई है कहें कर रहे हैं। सर, एनकाउंटर पे भी सवाल हो रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी को अपराध सेल अपनी गठित कर देनी चाहिए। देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है। अगर जाति की बात होती है तो जो बात अखिलेश जी ने मंगेश यादव को लेकर के तुल पकड़ाया, 67 मुसलमान, 20 ब्राह्मण, 19 राजपूत, 16 यादव, 24 अति पिछड़ा, 26 अन्य, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का इनकाउंटर 7 साल में हुआ। तो खाली मंगेश यादव को लेके ही चर्चा क्यों करते रहे अखिलेश जी, उनका उनसे क्या संबंध? करनी सेना ने कहा है कि ये जो एनकाउंटर हुआ है अनुज प्रताप सिंह का, इसका कहीं ना कहीं असर चुनाव में भाजपा को मिलेगा। वो ठीक है, वो उनका विषय है। यहाँ प्रदेश में कानून का राज है। आज आप देख रहे हैं कि 7 साल में सपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकारें थी, तो दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। आज प्रदेश में न दंगा होने पा रहा है न कर्फ्यू लग पा रहा है।
तो ऐसे लोग जो सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं वो चिंतित हैं कि कर्फ्यू क्यों नहीं हो रहा है, दंगा क्यों नहीं लग रहा है, दंगा नहीं क्यों नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर लोग चिंतित हैं। सर अभी तिरुपति मंदिर में वो जो प्रसाद का मामला है, उसके बाद डिंपल यादव ने बांके बिहारी मंदिर के प्रसाद पे सवाल उठाया है कि बांके बिहारी मंदिर के जो पेड़ा है वहाँ का, उसमें भी मिलावट है। देखिए वो जांच हो रही है, जहाँ भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, चल प्रशिक्षण शिविर में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित श्री नरेंद्र भूषण जी अपर प्रमुख सचिव पंचायती राज, श्री अटल कुमार राय जी निदेशक पंचायती राज, प्रमुख विभागों के राज्य स्तरीय अधिकारी, क्षेत्र पंचायत संघ के पदाधिकारी, प्रदेश सभी क्षेत्रों से आधारे हमारे प्रमुख साथीगण, मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ साथ कार्यक्रम में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों को मेरा अभिवादन। भाई प्रशिक्षण तो हमारे अधिकारी ने दिए, आप लोगों को जानकारी हुई। अब कुछ जिस उद्देश्य से इधर बुलाया गया है, भाई सबसे पहले तो मैं क्षेत्र पंचायत की प्रमुख दल को बुलाया है। उसी बीच एक दिन मैं कार्यालय में था, शायद 20 अगस्त का दिन था और कोई कार्यक्रम था उसमें कि आप चलिए, मैं चला गया। तो मैंने उसी में कहा था कुछ बातें, और हमारी मंशा, हमारे विभाग की मंशा, हमारे अधिकारियों की मंशा कि 3 साल और लगभग 3 महीना चुनाव हुए होंगे, लेकिन आप लोगों को बुलाने की हिम्मत कोई नहीं किया। सही बात है, सही है ना? लेकिन आपके अध्यक्ष जी ने जब प्रस्ताव हम लोगों को दिया है, तो हमारे डायरेक्टर महोदय, हमारे डिप्टी डायरेक्टर, हमारे प्रमुख सचिव, हम लोग बैठ के बात किए तो लोगों ने कहा कि भाई उनकी बात को सुना जाए। संजू बढ़िया ने कहा कि अगर जी ने निमंत्रण लेके गए तारीख पूछे, हमने कहा चलो तो आपकी तारीख तय हो गई। अभी आप लोग कुछ साथी चर्चा कर रहे थे, जब हमारे अधिकारी प्रेजेंटेशन दे रहे थे, बैठे बैठे हम लोग ये सोच रहे थे कि एक बुकलेट भी छपवा दिया जाए जो हमारे क्षेत्र पंचायत प्रमुख की नियमावली हो। क्या रहा है आप लोग? तो ये हमारे जो अधिकारी हैं यहां बैठे हुए हैं, हमने 20 तारीख को मैंने कहा था कि भाई जिनको करना है हमको दस्तक करना है, जिनको फाइल बनानी है हमको दस्तक करनी है, तो आज सबको मैं आपके सामने ला करके बैठा हूं। सभी लोगों ने आपके हित की बात किया है, कोई अहित की बात नहीं किया है, सभी लोगों की मंशा साफ। दूसरी बात, एक ज्ञापन संगठन के तरफ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भाई धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी जी ने 3 पन्ने का ज्ञापन हमें दिया है। जिस दिन से मिला है उस दिन से हमारे एसएनसी है खराब उत्तरी जो स्वागत के लिए ये कहते हैं कि ऐसा मंत्री आया है कि पीछे पड़ा हुआ है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए
हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।